छेद की रहने वाली एक पीड़िता उसके पति को गोली मारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने शिकायत पत्र देते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वो पीड़िता है जिसका पति गोली लगने से घायल हुआ है। बता दें कि पीड़िता स्नेहा पत्नी सनोज उर्फ विनय जो कि थाना बेबर क्षेत्र के गांव पुरैया की रहने वाली है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि 18 जून के दिन नामजद लोगों ने उसके पति को गोली मारकर घायल कर दिया था जिसमें उसके पति की बाल बाल जान बच गई थी। उस समय पीड़िता की तहरीर पर थाने पर आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 307, 452 के तहत 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस ने एक की भी गिरफ्तारी नहीं की है। आरोपी लगातार उसे डरा धमका रहे हैं जिसके चलते पीड़िता अब गांव में भी नहीं रह रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से जब अपनी आपबीती बताई तो तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक ने मुकदमे के विवेचक को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने घटना को लेकर क्या कुछ बताया है आप भी सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? इसने यहाँ कप्तान साहब के पास आई हो ये प्रार्थना पत्र लेकर, क्या पूरा मामला है बताएंगे? मामला ये है सर, हमारे घर से जो है पति उनके गोली मार दी, 18 तारीख को कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सुनवाई क्यों नहीं हुई? आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्या? रिपोर्ट दर्ज हो गई, वो लोग सुनते नहीं है। क्यों, क्या गिरफ्तारी नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ अभी गिरफ्तारी। किन किन लोगों ने गोली मार दी, क्या पूरा मामला था, क्यों मारी गई थी गोली? इसलिए मारी उन्होंने कि हमने 9 तारीख को कार्रवाई नखलऊ केस की थी। किस मामले को लेकर पूरी बताइए? वो हमारे पति के नाम संध्या के बारे में। संध्या कौन थी आपकी? हमारी नंदत थी। क्या हुआ था? नंदत हमारी वो भगा के ले गया। कौन? उमा शंकर कठेरिया। अच्छा, हाँ, इसलिए उन्होंने हमने कार्रवाई की, वो हमारे पति को ज़्यादा सताते थे। अच्छा, हाँ, तो हमने नखलऊ कार्रवाई की, हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैंने नखलऊ कार्रवाई की। वो 17 तारीख को पुलिस ने हमको तलाशा। हाँ। मैं कहीं शादी में अपने रिश्तेदारी में थे। ठीक है, तो 18 को हम वापस आए। 18 को वापस आए, कोई बात नहीं थी। रात के 10:30 बजे उन्होंने आके, तीनों लोगों ने, उमा शंकर, राम शंकर, राम शरण, इन लोगों ने, तीनों ने मिल के हमारे पति के गोली मार दी। अच्छा, तो क्या ये लोग तीनों दबंग हैं क्या? हाँ, दबंग हैं। क्या क्या प्रधान वगैरह है? कोई प्रधान वगैरह कोई नहीं, 10 साल पहले थे प्रधान। कौन थे? उमा शंकर। अच्छा, हाँ, तो वही लड़की को भगा ले? हाँ, वही लड़की को भगा के ले गए। किस थाने का मामला है? बेवर थाने का। अच्छा, तुम्हें परेशान कौन कर रहे हैं? परेशान उमा शंकर, राम शंकर। वो तो कर ही रहे, पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, बता रही है। कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं कर, कुछ सुनवाई। तो क्या चौकी इंचार्ज भी कुछ कह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो हमारे पति को धमकी दी। क्या बोले? कि आपके पिछवाड़े में इतनी गोली, मुकदमा केस कर देंगे जो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? नबीगंज चौकी लगती है क्या? नबीगंज चौकी लगती है। जी, क्या नाम है आपका? विनय कुमार सनोज। अच्छा, तो ये बताइए विनय, मैं क्यों मारा था, क्या पूरा मामला था, कहाँ गोली लगी थी, किस समय लगी थी? 10:30 बजे का टाइम था, 18 तारीख जी। और ये तीनों लोग हमारे दूसरे गेट से अंदर आ गए। हाँ। तो इन लोगों ने गाली गलौज की और आतापाई करने पर उमा शंकर ने ऐसे कोख में तमंचा लगाया। क्या तुम्हें खींच के ले जा रहे थे कमरे से? हाँ, ले जा रहे। कमरे से ले जा रहे। क्यों ले जा रहे थे? अभी ये पता नहीं, वो मैंने रिपोर्ट वहाँ पर कर दी इनके खिलाफ। आपकी बहन को भगा के ले गया? हाँ हाँ जी। कितने दिन पहले भगा के ले गया? ये तो बहुत पुराना मामला है सर। अच्छा, तो गाँव में नहीं रहते थे उस समय? गाँव में नहीं, भाग गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और संध्या को मारने की जब उसने कोशिश की, संध्या ने मेरे पास फोन भी किया। हाँ। तो मैं उन्हें बचाने के लिए मैं गया कुरौली। हाँ। तो मार पीट के संध्या से फिर उसने मेरे खिलाफ बयान करवा दिया। संध्या हमारी बहन है जी। तो तुम उनकी मतलब जो ना सेफ्टी कर रहे थे, तो तुम्हें भी गोली मार दी? जी हाँ, मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी, जनता दरबार में देके आया 9 तारीख को। अच्छा, इसलिए गोली मार, इसलिए वो ज़्यादा खिलाफ हो गई, ये ज़्यादा उछल रहा है। अच्छा, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्या धमकियाँ वगैरह भी दे रहे हैं बोले? जी हाँ, धमकियाँ दे रहे हैं कि गाड़ी कर ले, एफिडेविट लगा दे, नहीं तो गांव में नहीं रहने देंगे।
कौन है वो लोग? उमा शंकर। और ये राम शरण और उसका भाई राम शंकर। उमा शंकर क्या पूर्व में प्रधान भी था? जी हाँ। अच्छा, प्रधान था, दबंग है, दबंग टाइप का है ये। और राम शरण ये तो पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रही है उसकी? गिरफ्तारी नहीं कर रही है, पुलिस मुझे ही धमका रही है। क्या कह रही? ये मैनपुरी अस्पताल में चौकी इंचार्ज आया, उसने बोला मैं तेरा वीडियो बनाएंगे, कौन कौन लोग थे। हाँ। मैंने बोला ये उमा शंकर, राम शंकर। हाँ। बोली किसने मारी? मैंने कहा उमा शंकर ने, तो वो वीडियो बनाना बंद कर दिया। हाँ। उसके बाद कान में चौकी इंचार्ज जितेंद्र तोमर ने बोला कि साले पिछवाड़े में इतने मुकदमे लगाएंगे तुझको, जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहेगा, तुझे जेल तो जरूर भेजेंगे। ये बोला? भले आदमी का नाम रख रहा है, वो तेरी बहन को भगा कर ले गया, इसलिए भगाना चाहता है। अच्छा। हाँ, फिर बोला कि सही से बताना कौन कौन लोग थे। हाँ। बस फिर भी मैंने वही नाम बताए। हाँ। उमा शंकर, राम शंकर और राम शरण, इतने ही। तो मतलब पुलिस की नज़र में भला आदमी है? हाँ, लड़की को भगाने वाला भी भला आदमी है। हाँ, यही बोला, भला आदमी को फंसाना चाहता है। आप किस गांव के रहने वाले हैं? जी, कुरैया का। अब वो किस गांव का रहने वाले? अभी अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी तो मैं अपनी बहन के यहाँ रह रहा हूँ, डर की वजह। डर की वजह? गांव में घुसने नहीं दे रहे क्या? गांव में कोई बोलने वाला है नहीं उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अगर रिपोर्ट करके वो नहीं बोलेगा। अच्छा, कोई भी गांव में? क्यों? क्यों 10 से 15 लोगों के एफिडेविट उसके पास लगा रखे हैं उसने। 4 लोगों को हरिजन एक्ट में फंसा दिया, बलात्कार लगा दिया, फिर उसके बाद गांव में तब रहने दिया उनको जब एफिडेविट लगवा लिए। उसके बाद अब एफिडेविट लगवा के रख लिए उसने।